हेलो स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन के हम पार्ट टू में आ जाते हैं। तो आज अभी जो हम करने वाले हैं ये डेरिवेशन वाला पार्ट है गाइस। तो ये जो डेरिवेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है पिछले 10 सालों में, और जब आता है तो 2 मार्क का इसका वेटेज होता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें करना क्या होता है, वी नो दिस रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम लीनियर SHM। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है क्या होता है, F=-KX होता है। ठीक है, और बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने बताया था फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप देखोगे दोनों फोर्स ही है, तो दोनों के वैल्यूज़ को मैं इक्वेट कर सकता है इक्वली, तो इसलिए मैंने MA दे दिया, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ से K × X दे दिया, जहाँ पे K क्या है मेरा रिस्टोरिंग फोर्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हमें पता है गाइस जो वेलोसिटी होती है, देखो आप यहाँ देखो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वो भी dv/dt, वो क्या होता है dv/dt होता है, दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये v की जगह ना मैं dx/dt सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, d/dt तो ऑलरेडी है और v का क्या हो जाएगा dx/dt, तो दैट इज d²x/dt², तो दिस विल बी a विल बी कमिंग d²x/dt². ठीक है, तो मेरा एक्सेलरेशन हो गया d²x/dt², और इसको मैंने इक्वेशन 3 मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसी a की वैल्यू जो है d²x/dt² को यहाँ पे इक्वेशन 3 में a की जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो d²x/dt² हो जाएगा। तो मेरा ये वाला इक्वेशन चेंज होगा, क्या हो गया, md²x/dt², और यहाँ पे -kx। अब ये -kx अगर मैं टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड लेके चला जाऊँगा तो प्लस kx हो जाएगा। ठीक है, +kx, और मैंने सबको डिवाइड भी कर दिया m से, तो m से डिवाइड किया तो mm कैंसिल हो जाएगा और ये k/m हो जाएगा, लेकिन k/m क्या होता है, ω², जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन मेरा हो जाएगा, k/m की जगह मैं ω² लिख सकता हूँ, इसलिए मेरा इक्वेशन हो गया d²x/dt² + ω²x=0। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फोर्स क्या था, -kx था, दूसरा वाला बाय लॉ ऑफ मोशन फोर्स क्या था, mass × acceleration। हमने दोनों को इक्वेट किया, mass × acceleration और kx को, हम क्या कर सकते हैं, a की जगह acceleration की जगह यहाँ पे d²x/dt² भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि acceleration dv/dt होता है और वेलोसिटी की जगह हम लोग dx/dt भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा d²x/dt². ठीक है, और इसी एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, तो दैट इज md²x/dt² और =-kx हो गया। अब यही माइनस, ये पूरे इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, m से डिवाइड कर दिया, तो mm कैंसिल हो जाएगा और ये k/m हो जाएगा, और व्हाट इज k/m, k/m इज नथिंग बट ω², दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। याद रखो गाइस, बोर्ड एग्जाम में ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 से 2 मार्क के लिए आता ही आता है। पिछले प्रीवियस ईयर्स में आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो एटलीस्ट 3 बार तो आ चुका है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ठीक है, थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कंटिन्यूस पार्ट करने के लिए। थैंक यू।